प्रधानमंत्री जी के, आप माननीय प्रधानमंत्री जी के खोखले वायदे या झूठी बातें या जितने कर रहे हैं या जितने एक्सपोज मामले हैं लोकल पे ग्लोबल के, ग्लोबल पे लोकल की, पहले दवाई और बाद में क्या क्या जो करते हैं तुक्केबाजी और तुर्रेबाजी, अब उनके अंदर का खोखलापन तो दिखाई पड़ ही रहा है। उनके पास आज भीड़ नहीं पहुंच रही, जो पहली बार आके भीड़ को अपना पैमाना मानते थे, आज कहीं कल ही गया में गए 2,000-2,500 लोग थे उनके। बिहार के चुनावी समर में द रियल बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा भी अब कूद पड़े हैं। शत्रु जी, आज से आपने आगाज किया है प्रचार प्रसार का। हाँ, मैं प्रचार प्रसार का मैंने शुरुआत शुभारंभ किया है आज से, हमने गया से अपनी पैतृक भूमि गया है, गया से मोहन श्रीवास्तव के लिए और शशि शेखर के लिए, वहाँ पे उसके गया के ही आसपास वजीरगंज से। लेकिन बात यह है कि इस बार पब्लिक के अंदर जो जोश है, जो आवाम में देख रहा हूँ, ये एक सही मायने में क्रांति दिख रही है बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए। और मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा, बहुत दिनों देखा, चाहे आप सिर्फ, मैं प्रधानमंत्री जी के, आप माननीय प्रधानमंत्री जी के खोखले वायदे या झूठी बातें या जितने कर रहे हैं या जितने एक्सपोज मामले हैं लोकल पे ग्लोबल के, ग्लोबल पे लोकल की, पहले दवाई और बाद में क्या क्या जो करते हैं तुक्केबाजी और तुर्रेबाजी, अब उनके अंदर का खोखलापन तो दिखाई पड़ ही रहा है। उनके पास आज भीड़ नहीं पहुंच रही, जो पहली बार आके भीड़ को अपना पैमाना मानते थे, आज कहीं कल ही गया में गए 2,000-2,500 लोग थे उनके लिए, मैं उसी जगह पे आज उसकी भाषण दे के आ रहा हूँ। तो एक वो है, फिर दूसरी बात, उनका कहने का कुछ नहीं है। अब बिहार में आके बिहार के विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, बिहार में आके बात कर रहे हैं 370 की और ट्रिपल तलाक की और कश्मीर की। हालांकि कश्मीर के मामले में बड़ा ताज्जुब हुआ, यहाँ कैसे मुंह खुल रहा है उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का, वहाँ तो वो चीन का नाम भी नहीं लेते हैं। इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है या इतनी सूझबूझ की कमी दिखती है कई बार कि चीन का नाम नहीं लेते और यहाँ आके बड़ा चीन पे उस पर, और क्या कौन सा तीर मारा है, बात करें ना, आके बताएं यहाँ पे कि अगर हमारी ज़मीन ली है, उन्होंने ली है कि नहीं ली है, कितनी ली है, वो सब बात नहीं करेंगे। हमारे गलवान में हमारे बिहार के लोग शहीद हुए, हम भी उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पर ऐसी स्थिति क्यों हुई, उसके बाद हमने क्या किया, हम अपने जवानों को सलाम कर। लेकिन ये सब बातें यहाँ पे बात करो गरीबी की, मुफलिसी की, नौकरी की, बेरोजगारी की, मुद्दों से टोटल थ्रू आउट यही किया है। और आज फिर ये कर रहे हैं, तो अब पब्लिक पूरा समझ चुकी है, पूरा अब तक बिहारी बाबू अपने लिए यहाँ पे प्रचार प्रसार करने आया करते थे इतने सालों से, इस बार पहली बार होगा कि सीनियर बिहारी बाबू जूनियर बिहारी बाबू यानी अपने बेटे लव सिन्हा के लिए प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हैं। और बिहारी बाबू अपने बिहार पुत्र लव सिन्हा के लिए वो खैर है, ये कितनी बड़ी चुनौती है बेटे को, मतलब राजनीति में आपने उतारा है चुनाव सीधा लड़ने के लिए, ये मैं कहूँगा ये हमारे बिहार परिवार की जनता की डिमांड और हमारे अपने कांग्रेस पार्टी की कमांड के मुताबिक यहाँ के लोगों की, अपने परिवार बिहार परिवार के लोगों की इच्छा और अपेक्षा के अनुरूप हमने लव को यहाँ आने दिया, आगे बढ़ने दिया। इसलिए नहीं, उनके स्वार्थ के लिए नहीं, वो आए हैं या तो हमारे बहुत सारे किए हुए काम को, बिहार के विकास को पूरा करने बढ़ाने के लिए, बिहार की तरक्की समृद्धि के लिए, बिहार में पीस प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस और प्राइड के लिए, अगर ये लव आए हैं सामने, हमारे लव सेना बिहार पुत्र, और मैं समझता हूँ ये तो बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है कि अगर मैंने अपने कुछ सपने देखे और कोशिश किए, अच्छे अच्छे काम किए, उसी काम को और आगे बढ़ाने के लिए वो आए हैं। वो तो अच्छे खासे थे वहाँ पे, उनको तो कांग्रेस की इतनी मांग हुई और उस मांग के आगे अब जनता की इतनी मांग हुई। लोग बात है, आप कहते हैं कि बिहार के बेटे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उन्हें बाहरी कहते हैं, बोलते बिहारी नहीं है वो बाहरी हैं। वो तो हमें भी कहते थे जी, जब मैं शुरू में आया था, जैसे अगर उन पर परिवारवाद की बात करते हैं, एक बात कहते हैं, अरे परिवार के शत्रुघ्न सिन्हा जी उनका बेटा है, तो फिर जो सामने लड़ रहे हैं उनका तो परिवार और उससे ज़्यादा लड़ता रहा, उनके पिताजी भी थे। सिन्हा बिहारी हैं या बाहरी हैं? बिहार से बिल्कुल, वो तो एक भारतीय हैं, लेकिन बिहार पुत्र हैं, बिहारी बाबू के पुत्र हैं,
और यहाँ पे आज से 2009 से आते रहे हैं, इतना काम करते रहे हैं वो। कई बार तो पिछले इलेक्शन में तो आप लोगों को पता होगा शायद कई जगह उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा काम किया, 2009 में भी किया था और पिछले इलेक्शन में तो मुझसे भी ज़्यादा कहूँगा। उनको काफ़ी समझ है, पकड़ है। उनको मनाना पड़ा इसलिए नहीं कि वो बिहार से बहुत लगाव है, उनको बहुत प्रेम है, उनको मनाना पड़ा चुनाव के लिए। लेकिन आज वो आए हैं तो जनता के आशीर्वाद की वजह से, लोगों के आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न है। और बहुत तेजस्वी को कैसे देखते हैं महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार हैं, युवा बहुत बढ़िया तगड़ा। आज बहुत सारे उन्होंने वादे भी किए हैं, घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियां देंगे पहली कैबिनेट बैठक में। मैं तो आपको बहुत पहले कह चुका था और यहाँ पे घोषणा भी की थी कि तेजस्वी यादव बहुत होनहार लड़का है, बिहार का वो भविष्य का चेहरा है। मैंने कहा था, आपको याद है, सबसे पहले शायद मैंने ही कहा था, कुछ लोग नाराज भी हुए थे, लेकिन वह युवा शक्ति का प्रतीक है। उनको विरासत में मिली है अवश्य, लेकिन विरासत में हमारे फैमिली फ्रेंड लालू यादव की विरासत में मिला है, लेकिन उनको ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी मिली है, बहुत लर्निंग, उनकी लर्निंग मुझे दिखाई पड़ रहा है। एक ज़माने में जैसे इंदिरा गांधी जी थी, कितनी ट्रेंड होकर आई थी वहाँ से, तो ये लड़के जो हैं, चाहे तेजस्वी हैं कि हमारा तेज प्रताप है, दोनों बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत परिपक्व हैं। बीजेपी कह रही कहाँ से पैसे आएंगे भाई, वो तो अच्छी बात है और वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो 4-5 नौकरियां तो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, ये लोग जो इन्होंने नहीं भर्ती की, चाहे पुलिस विभाग का हो, चाहे हेल्थ विभाग का हो, चाहे सफाई बेस खामोश बीच में सफाई का हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, उसमें से ये सारी पड़ी हुई हैं वहाँ पे। और उसने कहा है टीचर्स की कितनी जो तो आपको भरोसा है, जो कहा है वो पूरा करेंगे तेजस्वी? ना सिर्फ भरोसा है बल्कि कैबिनेट मीटिंग की के बाद पहले कलम से वो करके, क्योंकि उसने ब्रीफिंग ली है, उसने राय मशवरा किया है लोगों से बातचीत करके, और ये बहुत संभव है, उन्होंने कहा है और वो करके दिखाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है तेजस्वी यादव। ताकि इसी बौखलाहट का नतीजा तो है कि हमारे बीजेपी, हमारे मित्रगण बीजेपी के दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि हम 19 लाख रोजगार के अवसर देंगे, कोई कैच रखा है, तारा दिखा देंगे, कहेंगे तारे तोड़ दो, अवसर देंगे। लेकिन अगर मान भी लें तो कल तक जो टॉन्ट कर रहे थे कि 10 लाख रुपया कहाँ से आएगा, हमारे बीजेपी के फ्रेंड्स कह रहे थे कि 58,000 और 60,000 और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, अब उनसे पूछिए 19 लाख नौकरी अगर देंगे, अवसर भी देंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा। वो ये मेरा ख्याल है तेजस्वी जो कहता है वो करता है, और जो करता है वही कहता है, और आप अंजाम देख लीजिए। लव सिन्हा के लिए क्या नतीजा आप देख रहे हैं इस बार? प्रचार तो शुरू करेंगे आप, विश्वास है, भरोसा है कि जीतेंगे बाकीपुर से? बहुत भरोसा है, आप लोग की वजह से, यहाँ के लोगों की वजह से, जनता की वजह से, जनता जनार्दन की वजह से, और बिहार परिवार की वजह से पूर्ण विश्वास है कि लव बहुत अच्छा करेंगे और यकीनन मुझसे भी अच्छा करें। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए शत्रुघ्न जी। तो शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी समर में कूद पड़े हैं बिहार के, प्रचार प्रसार की आज शुरुआत की है।